और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं जहां भी ये जाते हैं। भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में, हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है, मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। वो तो उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो नहीं रहे। इलेक्शन के दौरान उन्हें कहा, जब प्रेशर बढ़ा, जब उन पर दबाव लगा, तो फिर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं, मतलब मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्टली कनेक्शन ऊपर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूं। तो साइकोलॉजिकल प्रेशर इस स्टेटमेंट से दिखता है कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। और हमने नफरत से नहीं किया, वो नफरत फैलाते हैं, हमने मोहब्बत से बिना नफरत के नफरत को हराने का काम किया है। आप देखिए, हिंदुस्तान में
यूनियन टेरिटरी को स्टेट में बदला गया है, बहुत बार हुआ है, यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया है। स्टेट के दो भाग भी किए गए हैं, एक स्टेट को बांटा गया आंध्रा को, आंध्र और तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला गया, झारखंड बिहार में से बनाया गया, मगर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है, और ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए, और हम इन पर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, और इनसे ये काम करवाएंगे, और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैला रखी है, 2-3 अरबपतियों को ये पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थ्री, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं, आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यह हो जाए, हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। भाई और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं, जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं, और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुजर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सब लोग एक जैसे हैं, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम मोहब्बत के साथ सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यहां पे
कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कैंडिडेट्स पास में लड़ रहे हैं, जहां भी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता, आप पूरा समर्थन उनको दीजिए। और जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप पूरे दिल से उनको समर्थन दीजिए और उनको जिताने का काम कीजिए। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी सुंदर जगह यहां आपने मुझे बुलाया, कम टाइम के लिए यहां हूं। मैं चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो 2-3 घंटे के लिए नहीं, मगर 1-2 दिन के लिए मैं यहां आऊं, आपके बीच में रहूं। और आप जानते हो कि जो भी आप चाहते हो मुझसे, जो भी आप काम करवाना चाहते हो पार्लियामेंट में, जो भी कहलवाना चाहते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ हुक्म देना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।